सत्कार जो भाई साहब भाई बलविंदर सिंह जी यूके वाले कह रहे कि पहली पातशाही धन गुरु नानक देव पातशाह जी का इतिहास सिख संगतां नूं श्रवण करवाओ। लाओ धन गुरु नानक पातशाह जी का इतिहास मैं आरंभ करन लगा हाँ। एक बारी सारियां भैणां ते सारे वीर गज के आखो जी सतनाम श्री वाहेगुरु। पूरी दुनिया विच दीन दुनिया दी मालक सतगुरु धन धन गुरु नानक पातशाह जी का 550 साल प्रकाश दिहाड़ा मनाया है और गुरु पातशाह महाराज ने अपने प्यारियां नूं ए रहमतां कीतियां ने, उद्दम बख्शिश कीते ने। राई भोई दी तलवंडी सत्कारयोग माता जी माता तृप्ता जी मेहता कालू जी दे घर गुरु नानक पातशाह जी का आगमन होया। कवि कहिंदा है केड़े केड़े गिनावां नहीं गिने जांदे चोज दातिया बेशुमार तेरे तेरे बोल सब मुक्ति दा राह दसण जप जी आसां ते राग मुलार तेरे ओनू भुलियां चोरियां ठगियां सब एक वेर जिने कीते दीदार तेरे ठंडा जख मरदाने दे लई कीता चरनी दिगा कड़ाहे तपाउण वाला गर्म पत्थरां विचों निरभउ सच्चा ठंडा पानी सी तुइयों बरताउण वाला। अज दे महान कीर्तन दरबार विच साडे कवि सिंह भी जिन्हां ने हाजरी भरनी है मेरे आदरणीय सन्मानिया वर सत्कारयोग भाई साहिब भाई रशपाल सिंह जी पाल जिन्हां नूं पंजाब दे रफी दा खिताब मिलिया होया है बुलंद आवाज़ दे मालक ने हुणे हुणे दीवाना विच पहुंचे ने। मैं तहे दिलो धन्नवाद करांगा उन्हां दी चढ़दी कला दी अरदास करांगा। अक्सर तौर ते असीं स्टेजां ते इकट्ठे हुंदे आं और मैनूं बहुत प्यार करदे ने। मैं उन्हां दी चढ़दी कला वास्ते अरदास करांगा। विशेष तौर ते 100 रुपया साडे पाल साहिब जी सत्कार दिंदे ने। इहो जिहे महान विद्वान ते दात ही दे देवे बहुत हुंदी है पर उन्हां ने माइक तौर ते भी सन्मान भेजिया अपने वीर नूं। मैं चढ़दी कला की अरदास करांगा होर साडे वीरां वल्लों भैणां वल्लों गुरु साहिबां दे सत्कार वजों इतिहास का सत्कार किया गया है। साडे सत्कारयोग भाई साहिब भाई बलविंदर सिंह जी यूके वाले उन्हां दे परिवार वल्लों विशेष तौर ते सन्मान आया धन्नवाद करांगा। चढ़दी कला की अरदास करांगा। आओ समां बहुत सीमित है बड़े पंथ दे महान विद्वान रागी सिंघां ने आप जी नूं गुरबाणी दे नाल श्रवण करवाउणा कीर्तन श्रवण करवाउणा है। सचखंड श्री हरिमंदर साहिब धन धन गुरु रामदास महाराज दे चरणां दे भौरे इस इलाके दी शान साडे अति सत्कारयोग भाई साहिब भाई रविंदर सिंह जी उन्हां ने भी विशेष तौर ते आप जी नूं कीर्तन दे नाल जोड़ना करना है। सतगुरु गुरु नानक देव पातशाह महाराज महाराज ने दुनिया के कोने कोने विच जाके महाराज ने सच धर्म का प्रचार किया। सतसंग जी आ वेखो यूपी के जंगल ने गुरु नानक देव सच्चे पातशाह महाराज के नाल साथी भाई मरदाना जी महाराज तरे जा रहे ने। एकदम मरदाना जी नूं रोकिया साहब कह लगे मरदाना जी रबाब बजाओ कीर्तन करिए। मरदाना जी ने रबाब बजाउणी शुरू कीती है। सतसंग जी तंती साज रबाब एक कवि ने रबाब की सिफत लिखी है। कवि कहिंदा दो गिठा भोखा लकड़ी दा कोई उसते तारा ला बैठा मेरा भोला भाला नानक जी उसे नूं साज बना बैठा। पाल जी जरा तवज्जो दिओ तुसी बहुत विद्वान हो। कवि कहिंदा दो गिठा भोखा लकड़ी दा कोई उसते तारा ला बैठा मेरा भोला भाला नानक जी उसे नूं साज बना बैठा। मरदाना कहिंदा दाता जी कोई चंगा साज लिया दिंदो मेरे जय मरासी दी दुनिया ते शान बना दिंदो। हस के फरमाया दाते ने तू नाही रमज पछाणी है दुनिया विच रबाबी दी कपीड़ी नमी चलानी है। सुन के इस नमी रबाबी ने खुश होके धौण नभा दित्ती ओदियां सुंदर तारां ते फड़की मजराब चला दित्ती। किंज जदों रबाब बजी ना दरिया मस्ती दा बग तरिया मरदाना जिस विच तरदा सी अज जजरा जजरा सृष्टि दा प्या नानक नानक करदा सी। सतगुरां दे इतिहास दा सत्कार करदे होए साडे आदरणीयां सन्मानियां वर सत्कारयोग भाई साहिब भाई कृपाल सिंह जी जो बहुत विद्वान ने भाई साहिब भाई बलविंदर सिंह यूके वाले इन्हां दे वड्डे भाजी ने और बहुत
मान सम्मान दे के गए ने तह दिल तो धन्यवाद करांगा। गुरु पातशाह महाराज इन्हों सेहत जावी बख्शिश करन, चढ़दी कला की दात तंदुरुस्ती की दात बख्शिश करन। सतगुरु गुरु नानक पातशाह महाराज ने कीर्तन किया, आनंद बज गए। मरदाना जी कह लगे, मरदाना जी आ जड़े लगे अगे लोग आ रहे ने इन्हों का दुख तवा तो झलिया नहीं जाना, पातशाह मैनू की हुक्म है? साहब कह लगे कुछ दिन वास्ते तुसी साडे नालों विछड़ जाओ। वाहेगुरु पातशाह मैं ते आप जी दा लड़ फड़िया है। साहब कह लगे मरदाना जी जिहड़े अगे लोग आ रहे ने इन्हां दा दुख तवा तो झलिया नहीं जाना, मालक दा हुक्म सी। गुरु नानक देव सच्चे पातशाह महाराज नूं नमस्कार कीती, मरदाना जी आ आ उतरे जा रहे ने। सतगुरु गुरु नानक पातशाह रहेलखंड की धरती विच पहुंचे, यूपी दे इलाके दे विच ए धन गुरु नानक पातशाह महाराज ने इलाके नूं तारिया है। जंगल विच मार के समाधि सतगुरु गुरु नानक महाराज बैठे ने। ला जी उस वेले दा नक्शा आप सिख संगतां दे सामने इक ढाडी कला दे नवेकले अंग विच, इनू कहिंदे ने मट्टियां दा साका, इह राग तलंग विच गाया जांदा है। आप संगतां दे सामने अर्जुन वाल दा ढाडी जथा चंद लैणा विच हे
दीन दुनिया दे मालक सतगुरु धन धन गुरु नानक पातशाह सरबत दा भला मंगण वाले गुरु नानक दे घर विच रोज यही अरदास कीती जांदी है गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला रहेला पठान इन्हां दा काम है रोज किसे नू किसे इंसान नू बन के अगे मंडियां विच वेच देना गुरु नानक पातशाह इन्हां नू सधारन वास्ते इस धरती विच पहुंचे ने सतगुरु गुरु नानक पातशाह महाराज नू वेख के परहला पठान महाराज दे कोल आया कहिंदा वा खुदा अगे ते बड़ियां दूर दूर तक जाके मारा मरदियां पैंदियां सन अज ते घर बैठियां बिठाया गुलाम मिल गया है महाराज नू आखन लगा रे तू कौन है साहब कहन लगे मैं हां नानक वाह क्या सोहना नाम है नानक की कम करदे हो साहब कहिंदे मैं हां साहब दा चाकर खबरदार जी नसन भजन दा चारा कीता ते अज तो मेरा चक ने साहब कहन लगे प्यारिया जे दौड़ना हुंदा ते तेरे कोल चल के आउणा सी सतगुरां दी बांह फड़ी तेरे हेला पठान अपने घर वालों लैके चल पिया घर पहुंचा कर वाली बेसबरी नाल पठानी उड़ीक कर रही है मामा दा सुभा कहिंदे बड़ा कोमल होया करदा पर ए माई किसे खास ही कोमल सुभा वाली सी है पठानी पर एदे अंदर एक दर्द सी एक प्यार सी सत संगत जी इस पठान दी शादी होया नू बड़ा चिर हो गया इन्हां दे घर औलाद ना होई इन्हां आखिया कि मेरा पति जिहड़ा चंगे काम नहीं करदा इस करके खुदा ने सानू औलाद तो बांझा रखिया है सत संगत जी एक छोटा जा अक्षर है मां मां दियां दित्तियां हुई दमावां मनुख मंजिलां ते पहुंच जांदा है कवि कहिंदा कि मां अपने बच्चे वास्ते औलाद वास्ते की करदी है कवि कहिंदा सच्ची मुची औलाद खातर सौ सौ मन्नतां चित चितार दी मां ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਮਾਣੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਵੇ ਆਉਣਾ ਜੱਗ ਤੇ ਸਫਲ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮਾਂ ਰਿੜਦਾ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖਿੜਦਾ ਚਿੱਤ ਇਹਦਾ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਠਾੜਦੀ ਮਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੱਚ ਕੇ ਆ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਹੁੰਦੀ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਪੁਤਲੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਪਠਾਣੀ ਮਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਕਿ ਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮਨੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਵੋ ਪਠਾਨ ਰੋਬ ਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਪਠਾਣੀਏ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਕਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਨੋ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖ ਲਈਏ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਧਰਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਵਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਚਾਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਵਾਂ ਪਠਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਠਾਣੀਆਂ ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਾਂਗਾ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਬੜਾ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਖੇਡਾਂ ਰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਨਾ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਪਠਾਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਹਿਮੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਸੀ ਕਈ ਜਿੰਦਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਲਾਲ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸੀ ਗਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਅਣਖਲਾ ਕੀਤਾ ਪੁੰਜ ਉਪਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਾਰੋ ਬਾਰੀ ਗਾਹਕ ਸਾਰੇ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਪੈਸਿਆਂ ਚ ਵਿਕਣ ਲੱਗਾ ਦੇਵਤਾ ਪਿਆਰਾਂ ਦਾ ਦੋ ਘੋੜੇ ਮੁੱਲ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੀਤਲਾ ਲੱਗਾ ਜੇ ਉਧਾਰ ਹੋਣ ਕਈਆਂ ਗੁਣਾ ਘਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੀਰ ਆ ਚੁੱਕੋ ਗਾਗਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਨਾ ਕਰਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਰਚਾਈਆਂ ਰਹੇਲ ਖੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਏ ਲੋਕ ਤਿਹਾਈ ਨਾਲ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਏ ਪਾਣੀ ਹਾਏ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਪਦਾ ਹੈ ਚਲੋ ਉਸਦੇ ਚਰਨ ਫੜੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਤੇ ਸਾਤੋਂ ਬੜੇ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦੁਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕਦੀ
महाराज फिर सानू की करना पवेगा। महाराज कह लगे जिन्हें कैदी बनाए हुए ने छो रिहा करो इन्हों दिया मिलदा ना रब गाया गीतां ना रब मंदरां दे विच रहिंदा ना रब विच मसीतां ना रब ठाकुर द्वारे रहिंदा ना रब कोल अतीतां ओए रब उन्हां नूं हर दम मिलदा साफ जिन्हां दियां नीतां दीन दुनिया दे मालक सच्चे पातशाह ने इन्हां नूं समझाया जिवें बाबे दे हुण गाउण गाउण लगे ने धन गुरु नानक पातशाह महाराज दी सिफत विच ढाडी जत्था वंदना कहण लगा है। इह ढाडी कला दा नवेकला अंग इस नूं कहिंदे ने लगोजे। इह राग भैरवी विच गाए जांदे ने आप सिख संगतां दे सामने ढाडी जत्था चंद लीना विच हे Thank you.
गुरु घर की बख्शिश सिर पाओ भाई साहब बलविंदर सिंह जी जोके वाले उन्होंने वालों विशेष सन्मान ढाडी जिथे आया धनवाद करांगा साडे आदरणीय सन्मानिया वर सत्कारयोग सिख पंथ के महान विद्वान जदों विद्वानां दी गल कीती जांदी है ते ज्ञानी भगवंत सिंह जी जौल साहिब दा नाम सुनहरी अखरां वांग चमकदा है। इन्हां वल्लों माइक तौर ते सन्मान आया है, मैं धन्नवाद करांगा। बड़ियां आशीर्वादां इन्हां वल्लों मेरे ढाडी कला विच इन्हां दा बड़ा वड्डा योगदान है। मैं इन्हां दी तंदुरुस्ती ते चढ़दी कला वास्ते अरदास करांगा। फरमैश आई है संगतां वल्लों कि साहिबजादियां दे शहीदी दिहाड़े शुरू होए ने, चमकौर साहब जी की एक बार कह के तुसी खिमां दा जाचक हो जाना है। समा मेरे को 10 मिनट ही रह गया है, लो तुहानू दर्शन करावां गढ़ी चमकौर साहब दे। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब कलगियां वाले पातशाह महाराज चमकौर साहब की गढ़ी विच विराजमान हन। कलगियां वाले पातशाह महाराज दे नाल कोई बहुती फौज नहीं, केवल 2 साहिबजादे तीसरे गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज 41 सिंह, कुल गिनती है 44। 44 सिंघां विचों जदों 17 सिंह शहीद हो गए ना, छाल मार के कलगियां वाले पातशाह महाराज के वड्डे साहिबजादे बाबा अजीत सिंह गुरदेव के चरणों में आके फतेह बुलाइए, पातशाह जी मैनू आग्या बख्शिश करो, मैदाने जंग विच जूझ जूझ के शहीदी बाटा छक सका। कवि लिखदा कहिंदे जद सिंह 17 तुर गए रण फतेह गजा के, फिर उठिया साहब अजीत सिंह गल पल्ला पा के, उस आख्या कलगी धार नूं इउं शीश नभा के, मैं मारा दुश्मन दरां नूं अंदर जाके, मैं चुन चुन मारा सूरमे खंडा खड़का के, मैं दसना बिच मैदान दे ढिल सारा ला के। ये सुन के कलगी धार ने पुत सीने लाया, उस आख्या मेरे हीरिया सुंदरी दिया जाया, तैनू मखणा दे नाल पा लिया मैं लाड लड़ाया, अज लखां दे नाल जूझना पुत तेरे हिस्से आया। साहिबजादा अजीत सिंह जी तेरे नाल 8 सिंघां दा जथा जाएगा। गढ़ी चमकौर साहब तो 8 सिंह हो गए तैयार, गुरदेव दे चरणां विच खलो के सिंघां ने प्रथम भगाती तो लैके सरबत दे भली तकर सोधिया अरदासा, बई छड़िया बोले सोने हाल, सत श्री अकाल दा जकारा, सिंह मार के छाल हो गए घोड़ियां ते सवार, बई खिचियां घोड़े दियां बागां, आज सामने दुश्मन दल है, जिवें भेड़ां दे बग विच शेर जा बढ़दा है, टुट के दुश्मन उत्ते सिंह पै गए, आज चल पत्ते का बन के हुण शैल शबीले, उन्हें घोड़े लै लै उड़ने सोहणी फुरतीले, आ धनखे चले टाड़ियां रख तीर नकीले, उहदे 24 लाली चेहरियों बन गए रंगीले, बई सब तो अगे बाबा अजीत सिंह सोभदा, उहदे लख लटके शमशीर पूरी नागनी, उहदे पत्थे दे विच तीनीरे करोंडिए, उहदी बरदी वे नजीर बिजली चमकदी। साहिबजादा अजीत सिंह जी ने खच खच के छड्डे तीर, जदों हो गया पत्था खाली, बे कढ ली सदा दी साथ नमयान विचों तेग, कहिंदे आदी आ गई, 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 नचदी टपदी जलियां पापदी, सहमता मारदी कईआं नूं, मारदी कईआं उठादी कईआं दी मौत, जिंदगी सिंज दे हिंद लिख लिख दी शान, पंजाब ते तेग अजीत दी, आ खिचे वी अजीत सिंह रत पीली चंडी, हुण हत्थां विच तौल के इक बेड़ा छंडी, ओ जिथे जाके लगदी पा दिंदी वंडी, खून नदी विच ना के आ हो गई ठंडी, कई योद्धे पाए दिलबरा स्वर्गां दी डंडी, इक पासे जय देवा दूजे पासे डाली, तीजे पासे सत श्री अकाल दे जकारे नाल मैदान गूंज उठिया, मैदाने जंग विच बाबा अजीत सिंह तलवार दे जोर खलबड़वाई। Oh,
ਮੋਢੇ ਪੁੱਤਰੀ ਕਾਦੀ ਕਲਮ ਕੈ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰਾ ਤੇਰਾ ਨਾਲ ਪੈਂਦੀ ਵੀਰਤਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਕੇ ਵਾਲੇ ਬੀਬੀ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੋਤਰੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਭਾਈ ਜਗਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਅਰਜਨਵਾਲ ਪਿੰਡ ਅਰਜਨਵਾਲ ਆਦਮਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 98 7 1 0 33 81 ਸਾਡੇ ਅਤਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਸੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਢਾਡੀ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰ ਕਲਮ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ
ਮਾੜਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜੱਜ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੈਸੇ ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਹਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਥ ਦੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮਾਇਆ ਭੇਜੀਏ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਆਓ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦਿਓ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।